दोस्तों ये है सैमसंग का नया M55। सैमसंग अपनी M सीरीज को सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश करता है। हमने लास्ट M34 ट्राई करा था, बिल्ड प्लास्टिक की थी बट ओवरऑल प्रोडक्ट काफी ज्यादा एक्साइटिंग। ए सीरीज में पूरा भी बिल्ड चेंज करा। इस सीरीज के लिए मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। M का जिन लोगों को पता नहीं, M का मतलब मॉन्स्टर है भाई, मस्ट बी अ मॉन्स्टर। भाई चेक कर लेते हैं असली जानवर कौन है, लेट्स गो। भाई इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले डब्बा काफी इंटरेस्टिंग से बना रखा है, मस्ट बी अ मॉन्स्टर। यहाँ पे पूरी जन्मपत्री लिख रखी है। इसके फोन के बैक साइड के ऊपर 35,000 के अराउंड लिखा है बट इसका प्राइस 25 से 30,000 के बीच में आएगा और उसी हिसाब से भाई हम ये पूरी वीडियो भी बना रहे हैं। एंड में प्राइसिंग आपको बता देंगे, कहीं एकदम ही सरप्राइज हमको भी मिल जाए। बहुत दिनों बाद भाई ये तो बड़ा सा बॉक्स मिला पर यूजुअल बॉक्स से थोड़ा सा हल्का लग रहा है। या तो फोन नहीं है या कुछ मिसिंग है। और देख लेता हूँ यहाँ पे, ओह थोड़ा सेम पर थोड़ा अलग अलग भी लग रहा है। बड़ी बार टेस्ट करेंगे इसको। पुस्तकें बहुत कम है, आपके लव लेटर्स की तरह है ज़्यादा। एंड उसके अलावा बॉक्स में चार्जर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे केबल मिलती है टाइप C। ये अच्छी खासी लंबी है, इससे स्किपिंग भी कर सकते हैं बट आज हमारा मन नहीं है। फोन में थोड़ा जाता है मैंने। ओह भाई ये तो काफी लाइट वेट लग रहा है। बैक साइड में एक 3 कैमरे का सेटअप है। यानी काफी मैट फिनिश में पूरी बैक बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ज्यादा शाइन भी नहीं कर रहा है, यानी एक बहुत ही सटल सा टेक्सचर है इसमें। साइड्स भी जो है वो भी ना पूरी फ्लैट है ना पूरी कर्व्ड है। आप हाथ में पकड़ोगे तो हल्का सा आपको एक कर्व फील होगा। इससे पहले एक और वेरियंट आया था M54, वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, डायरेक्ट M55 लॉन्च करा गया। इस फोन की कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, सारी चीजें हम एक एक करके टेस्ट करने वाले हैं इस वाली वीडियो। तो भाई सीट की वेड़ी बांध लीजिए, लेट्स गो। राइट साइड पे वॉल्यूम पावर बटन है, एक सिम इजेक्टर टूल है जिसमें 2 नैनो सिम लग जाते हैं। नीचे की तरफ USB टाइप स्पीकर का पोर्ट है। तो बिल्ड आपकी जैसे सैमसंग के सारे ही फोन होते हैं, A सीरीज, M सीरीज, S एकदम फ्लैगशिप वाली, उसके जैसा ही एक टेम्पलेट है बिल्ड का। इवन कैमरे का भी अगर आप देखोगे तो जो S सीरीज है फ्लैगशिप वाली टॉप वाली लाइन है, उसके जैसे ही भाई M सीरीज, A सीरीज भी बनाई गई है और जैसा बाहर से अंदर से भी वैसा ही बनाने की कोशिश करी गई है। बेजल्स भी पिछली बार से थोड़ी कम कर दी है। इसमें 2 कलर्स आते हैं, एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन, टील, ब्लूइश, आप जो बोलना चाहो वो बोल लो। और दूसरा एक ब्लैक ब्लूइश आता है, मतलब ऐसे हल्का सा आप टिल्ट करो तो हल्का सा ब्लू का शेड आएगा बट है एक्चुअल ब्लैक। फ्रंट की साइड में एक 6.78 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल है। हर बार हम ये सारी चीजें ट्राई करते हैं बट भाई 4K में वीडियो चला के अलग सा ही थोड़ा सा मजा आता है। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई डिस्प्ले में कलर्स काफी सॉलिड लग रहे हैं। अगर आप एकदम एजेस से भी आप देखोगे तब भी कलर्स एकदम प्यारे दिख रहे हैं। एंड ऊपर से भी अगर आप देखोगे, नीचे से भी अगर आप देखोगे, काफी प्यारा ब्राइट। सैमसंग अपने डिस्प्लेज के लिए वैसे ही काफी ज्यादा फेमस। एंड इसमें भी अगर आप जूम करके मैं दिखाऊं भाई, ओहो भाई तोतापरी आम होता है वैसे, और आपको भी दिख रहा होगा भाई जो कलर्स हैं वो सारी चीजें मस्त लग रही है। इस फोन के अंदर जो सेकंड चीज आप नोटिस करोगे वो है इसका सॉफ्टवेयर। इसके अंदर सैमसंग ने अलग से फोल्डर्स बना रखे हैं, जैसे एक सैमसंग की एप्स का फोल्डर है, फिर गूगल की एप्स का फोल्डर है, एक माइक्रोसॉफ्ट की अलग से एप्स का फोल्डर है। काफी सारी आपको एप्स मिल जाती है बट ऑलमोस्ट सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करोगे या फिर आप अनइंस्टॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ और भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हैं जैसे डेली हंट, फोन पे, अमेजोन, शायद आप यूज करो शायद ना करो। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर की खास बात है कि जैसे अगर इसमें आप सेटिंग्स खोलोगे और इसमें अबाउट फोन में आप जाओगे, तो वैसे नाम मैंने अपना योलो रख रखा है भाई क्योंकि योलो मस्त लग रहा है। बट सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन इसमें वन UI 6.1 लिख रखा है। इसका जिन लोगों को मतलब नहीं पता, ये बेसिकली सैमसंग के बजट या मिड रेंज फोन में सॉफ्टवेयर आता है वो नहीं है। सैमसंग के जो टॉप फोन है वो सेम सॉफ्टवेयर इसमें भी लगाने की कोशिश करी है। इसके काफी सारे फायदे हैं, थोड़े नुकसान भी है। जैसे आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे आपको मोड्स और रूटीन सेट करना हो। एंड वन UI की जितनी कस्टमाइजेशन है, इवन कैमरे को भी खोलोगे तो कैमरे में भी जितने मोड्स हैं। एंड कुछ AI वाली चीजें, जैसे गैलरी में जाओगे आप किसी भी इमेज को खोलोगे, उसको भाई एडिट में जाके आप एक्चुअल उसके अंदर से ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर सकते हो। अब अपने भाई दोस्तों को इरेज करना हो, अपनी माशूका को इरेज मत करना बिल्कुल भी। नेवर इरेज लव भाई, प्यार को थोड़ा इरेज करा जाता है। नॉक्स वाली सिक्योरिटी वाली भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे एक सिक्योर फोल्डर उसके अंदर अपना सब सेफ रहता है। एंड उसके अलावा सिक्योरिटी प्राइवेसी का एक डैशबोर्ड है, क्विक शेयर करना हुआ डिवाइस के बीच में वो काफी आराम से हो जाता है। एंड सैमसंग का अपना वॉलेट भी इन्होंने ऐड कर रखा है, उसमें अलग अलग कार्ड स्टोर कर सकते हो। मेट्रो कार्ड भी हो जाता है, डेबिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी, उससे आप टैप करके पे कर सकते हो। हमने एक रील में एक्चुअली ट्राई भी करता है मैकडॉनल्ड्स में करने, पेमेंट करने वाले। ओ ये पहले एकदम एक डेढ़ लाख रुपए के फोन्स में आते थे, बट अब ये फीचर्स भाई काफी एक्सेसिबल हो गए और सैमसंग इस वाले फोन के लिए 4 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस करता है। बाकी जितने भी सेंसर्स हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, NFC है, ब्लूटूथ 5.3, आप डुअल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और एक मेरे को काफी कूल चीज लगी, एक वॉइस फोकस का फीचर डाल रखा है, तो समझ लो आप शोर में बात कर रहे हो तो आपकी आवाज से बैकग्राउंड नॉइज हटा के फिर ये आवाज कॉल्स वॉल्स में भेजता है। एक्चुअली कॉल करते रहना आपको अच्छा खासा फर्क फील होता है, मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये सार्थक भाई की आवाज है विदाउट वॉइस आइसोलेशन। ये वॉइस स्टैंडर्ड मोड में है एंड वॉइस आइसोलेशन और करने के बाद ऐसी हो जाती है और ये वॉइस फोकस मोड में है। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा बड़ा फर्क पड़ने लगा है स्मार्टफोन्स में, उसमें सॉफ्टवेयर की वजह से। एंड सैमसंग अपने फ्लैगशिप्स में काफी सारे AI वाले फीचर्स लेके आ रहा है, काफी सारी नई नई चीजें लेके आ रहा है। एंड क्योंकि इसमें इतने सालों के अपडेट्स प्रॉमिस करें तो काफी चांस है सैमसंग के जो मिड रेंज वाले फोन है वो आगे जाके भाई उनमें भी AI वाले फीचर्स और नए नए फीचर्स सैमसंग रोल आउट करता रहे। एंड सैमसंग ने जितने भी चीजें प्रॉमिस करी है पास्ट में भी में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं, तो इसमें भी होपफुली आने चाहिए और इस प्राइस पॉइंट पे और कोई नहीं देता, तो ये डेफिनेटली एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। बट भाई ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात, बट सॉफ्टवेयर पे अंत नहीं होता ना भाई। परफॉर्मेंस है, कैमरा है, उसके बाद भाई आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही, एक्सपीरियंस कैसा भाई का, सब चेक करना पड़ता है यार। गाना बजाना सबसे पहली चीज है जो चेक करेंगे। डिसेंट लाउड है भाई, डुअल स्पीकर पे। और भी गाने सुन के देखते हैं भाई एक दो। वो दुनिया सवार डिसेंट आवाज, थोड़ी क्लैरिटी और बेटर हो सकती थी, वैसे है काफी लाइट, बट इसमें 5000 mAh की बैटरी की ऐड कर रखी है। सैमसंग ने पहली बार M सीरीज में 25 वॉट चार्जिंग से 45 वॉट की दी है, जो एक काफी सॉलिड अपग्रेड है, बट इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे थोड़ी तेज चार्जिंग मिल जाती है, तो बेसिकली सही कॉम्बो बन जाता है। यही सही कॉम्बो भाई कैमरे में भी बने और परफॉर्मेंस में भी बने, तो और ज्यादा मजा है। इस फोन के अंदर काफी एक सॉलिड कैमरे का सेटअप दे रखा है। 50 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो आप ऐसे दूर दूर वाली फोटोज खींच पाओगे। OIS से स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा आ जाती है। और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है जिससे हमने कुछ फोटोज खींची। हमको इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बट इस प्राइस पॉइंट पे एडजस्ट करा जा सकता है। बट एक चीज जिसने काफी ज्यादा इंप्रेस करा वो है इसका सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये सेल्फीज में अगर जैसे मैं जूम करके भी अपनी दाढ़ी दिखा रहा हूँ, इसमें काफी अच्छी डिटेल आ रही है। जो कलर्स हैं वो थोड़े कभी कभार ज्यादा कॉन्ट्रास्टी होते हैं, मतलब थोड़ा काला थोड़ा ज्यादा काला हो जाता है, गोरा थोड़ा ज्यादा गोरा हो जाता है, बट अगर आप अच्छी लाइटिंग में ले रहे हो तो भाई सेल्फी में भाई नेक्स्ट लेवल डिटेल मिल जाती है। और सेम 50 मेगापिक्सल का कैमरा बैक साइड में भी है, फोटो लेते टाइम आपको कभी कभार ऐसे वाइट सा दिखेगा, बट जब आप एक्चुअल फोटो लोगे तो आपको बादल दिख जाएंगे दिल्ली के अंदर, वो काफी इंप्रेसिव रहता है। ये कुछ हमने इंडोर फोटोज ली हैं जिसमें घर की लाइट्स काफी अच्छे से बैलेंस कर रखी है। ये कुछ आउटडोर फोटोज हैं जिसमें हमने भाई 10x जूम का यूज करा है। वैसे इसमें एक जूम लेंस है नहीं, क्योंकि OIS है तो फोटो स्टेबल आती है ना, आप दूर तक जूम इन कर सकते हो। बट इसमें भी देख सकते हो आप भाई नीचे घास की हरियाली भी दिख रही है, यहाँ पे बिल्डिंग भी काफी प्यारी सी लग रही है। अलग अलग फोटोज ली है भाई, मुदित भाई ने भी अलग अलग पोजेस दिए। कभी कभार सिंगल टेक में भी हमने फोटोज ली, कभी कभार थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड हो जाती है फोटोज, कभी कभार हल्का सा नेचुरल साइड पे रहती है। एंड डुअल व्यू वीडियोस में भी हमने जो बनाई, पोर्ट्रेट मोड में भी जो हमने खींची, उसमें भी काफी प्यारा बैकग्राउंड ब्लर आता है, एकदम एक नेचुरल सा ब्लर फील होता है। एंड आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से दिखता है, जैसे मुदित भाई की फोटोज हमने अलग अलग खींची है अलग अलग बैकग्राउंड में। बट एक चीज है, कैमरे से फोटोज अच्छी आती है, वीडियोज बहुत अच्छी आती है, बट कैमरे को यूज करने का एक्सपीरियंस काफी स्टटर वाला है। कभी कभार आप स्विच करोगे कैमरा तो हल्का सा फ्रेम ड्रॉप आता है, कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, एक्चुअली जो वीडियो निकल के आती है वो सही है, और ऐसा हमको और किसी भी सैमसंग के फोन के साथ नहीं मिला। मेजरली एक सॉफ्टवेयर का बग है जो कैमरा एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो जाना चाहिए, ज्यादातर केसेस में हो जाता है, बट हमको फील हो रहा था, हमने बताया। ओवरऑल फोटोज, वीडियोज, सेल्फीज सब में कलर्स काफी पॉप मारते हैं, आप दूर की फोटोज भी खींच सकते हो, वाइड एंगल में भी अगर आप फोटोज खींचोगे OIS की वजह से ज्यादा शेकी फोटोज नहीं आती आपकी। ये एक वीडियो है विद स्टेबिलाईजेशन विदाउट स्टेबिलाईजेशन, दोनों साथ में प्ले करके आप अच्छा खासा फर्क देख सकते हो। सैमसंग सैमसंग का वन यूआई रहने का फायदा ये भी रहता है कि आपको मोड्स काफी सारे मिल जाते हैं। जैसे एक सिंगल टेक वाला मोड है, तो एक सिंगल शॉट लेके मल्टीपल फोटोज आ जाती हैं। मैक्रो वाला मोड है, आपको डुअल रिकॉर्डिंग करनी हो, जैसे यहाँ पे जसकीरत और मोहित भाई ने दोनों बढ़िया रिकॉर्डिंग करी है। एंड प्रो मोड भी है, एक प्रो वीडियो मोड भी है, तो आप मतलब वीडियोज भी प्रो मोड में बना सकते हो सेटिंग वेटिंग चेंज करके। एंड एक नाइट वाला मोड है, एंड ये कुछ नाइट वाली फोटोज आप देख सकते हो, इसमें भी इंप्रेसिव रिजल्ट्स आते हैं अगर आप रात में खींच रहे हो। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, थोड़ा सा अलग सा व्यू लग रहा होगा आपको, बट हाँ भाई काफी इंप्रेसिव। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने स्नैपड्रैगन का 7 जेन 1 लगा रखा है। ये ऐसा प्रोसेसर है जो बहुत कम स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता है। यूजुअली 7 जेन 3 काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये कुछ ही एक दो स्मार्टफोन्स में आया। इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 मिल जाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो मिल जाता है, तो दोनों 7 जेन 1 से थोड़ा सा बेटर है, बट ये एक अच्छा सॉलिड मिड रेंज प्रोसेसर है। और हमने जितना भी यूज करा काफी स्मूथ रहता है। जैसे मैं सारी एप्लीकेशंस क्लियर करने के बाद एक एक करके आपको खोल के दिखाऊंगा, तो काफी तेजी से सारी एप्लीकेशंस खुल जाती हैं। ये हमने कैमरा भी खोल लिया, बट सारी चीजें साइड में टेस्टिंग गेम खेल के ही हो पाती है, इसीलिए भाई हमने सबसे पहले डॉक्टर ड्राइविंग चिप पसंद आ रहा था भाई लोगों को। भाई आवाज बढ़ा दे, ओ वो भाई अब आया ना मजा। परफेक्ट टर्न मार दिया भाई ने, यू टर्न भी परफेक्ट ही कर देंगे। हो भाई ठोक दी, कोई बात नहीं भाई। डॉक्टर ड्राइविंग भाई ऐसे टच रिस्पांस टेस्ट करने के लिए, ऐसे ड्राइविंग के टाइम पे कैसा मल्टी टच कैसे रिस्पांस करता है, वो सारी चीजें टेस्ट करने के लिए बढ़िया रहती है। पर आप कोई भी और नॉर्मल गेम खेलोगे, सबवे सर्फर उन सबकी टेस्टिंग हो जाती है, बट अब हम करेंगे आपकी फेवरेट गेम की टेस्टिंग। भाई हमने चला लिया डेथ मैच, आपको सेटिंग दिखाता हूँ। ये चल रही HDR पे अल्ट्रा पे, इस प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा HDR पे चल जाती है गेम। एंड 90 FPS तो नहीं है, बट एक्सट्रीम पे स्मूथ पे चल जाएगी, तो अभी तो हम HDR पे अल्ट्रा पे खेलेंगे। अब तो डायरेक्ट भाई गेम चालू कर लेंगे। मैंने प्रो बन गया इस गेम का, 4 फिंगर दबाया अपना, एंटा एंटा लगा के। वो ओहो भाई क्या पेला भाई, एक बंदे को तो लपेट दिया। ये एक्चुअल देख सकते हो ग्राफिक्स वाफिक्स बढ़िया लग रहे हैं, कहीं पे भी लैग नहीं लग रहा भाई, कहीं पे डिले विले नहीं आ रहा। भाई ये दो बंदों को निपटा दिया मैंने, बराबर कर दिया मैंने। बट जैसे कि देख सकते हो भाई गेम काफी हद तक स्मूथ है। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, जो डिस्प्ले है उसका टच रिस्पांस काफी ज्यादा सॉलिड है, तो गेम खेलते टाइम ग्राफिक्स भी काफी सॉलिड लगती है। एंड दिखता भी काफी प्यारा सा, कलर्स कॉन्ट्रास्ट भाई अलग से है ना। टीम को थोड़ा सा मैं जिताने पे आ गया हूँ, बट ओवरऑल फोन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को परफॉर्मेंस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं लगी। कुछ फोन में एक सेटिंग ऊपर चल जाती है, बट स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 इस प्राइस पॉइंट के लिए एक अच्छा सॉलिड प्रोसेसर है। BGMI और सारी गेम्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक अच्छी बैलेंस परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले स्मार्टफोन से। जो लोग खरीदने वाले हैं या फिर किसी भी आसपास कोई भी रिश्तेदार खरीदने वाला है, मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताता हूँ, सैमसंग बेसिकली एक फुल ऑलराउंड स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करता है। सारी चीजें अच्छी बैलेंस हो जाए, कैमरा काफी सॉलिड है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, आपका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, बैटरी चार्जिंग सारी चीजें सॉलिड है। ओवरऑल सीधा सीधा बताऊं भाई, जिन लोगों को सैमसंग का एक सॉलिड एक्सपीरियंस चाहिए, लंबे टाइम के लिए अपडेट चाहिए, भाई ये फोन डेफिनेटली काफी सॉलिड परचेज हो सकता है आप लोगों के लिए। इतना था भाई इस वाली वीडियो के लिए, आई होप आपको पसंद आई। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी चीज़ें आपको लगे, वो हमको बताना कमेंट सेक्शन में, हम काफ़ी सारी चीज़ें नई नई ट्राई करने वाले।